भीम सिंह में सबको सलाम, सलाम पाकिस्तान। मैं नेशनल न्यूज़ आपके प्लेटफॉर्म से आशिक चट्टा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त हम एक मकसद के लिए, जो ख़ास मकसद है हर इंसान के जान की तहफ़ के लिए, आज भारकुनी के इलाका कोड लखपत में ग्रेस असेंबली चर्च में इलाके के मुतलका सीनियर ऑफिसर पी एस इंचार्ज लियाकताबाद इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, और जो हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारी जानों की हिफाजत के लिए, हम इन्हें आज वेलकम कहते हैं। और इस मीटिंग में तमाम भारकुनी के पासवर्ड साहिबान भी मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने सिक्योरिटी रीज़न में हर एक ने एक दूसरे का साथ देना है, ना कि हम मुतलका पुलिस वालों पे छोड़ दें कि उन्होंने हमारी जान का ख्याल रखना है। तो आइए नाज़रीन, हम अपने इलाका के एस एच ओ साहब और अपने तमाम पास्टर साहबान से उनके जो भी कोई उनके इश्यूज हैं, आपको अभी मेरे कैमरामैन साहब हैं जो पूरी सिचुएशन आपसे शेयर करेंगे। जिसको तूने ये मौका दिया, स्वाद के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। सारी मैनेजमेंट को खुदा और तेरे जख्मी हाथों में देते हैं हम, एसएसपी के लिए और जितनी भी मैनेजमेंट है, खुदा और डीपीओ को और मुल्क पाकिस्तान को, वजीर आजम को, वजीर आला को तेरे जख्मी हाथों में देते हैं और तेरे पाक लोगों की कवरिंग में खुदा इस मुल्क को देते हैं और खुदा मुल्क की सरहदों पर तेरे पाक लोगों की कवरिंग चाहते हैं। तेरे माइटी एंजल्स एकरामत इस मुल्क की प्रोटेक्शन करें और तेरे ताकि ये मुल्क एकदम सदा एकदम इसका परचम सदा लहराता रहे और तेरी बरकत इस मुल्क के चुने छके रहे, ताकि तेरे बच्चे बड़ी आसानी के साथ इस मुल्क में एकदम तेरी खिदमत करते रहे। और आज है खुदा हमसे कलाम कर, तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, ऐसी रोशनी जिससे मुनव्वर होकर खुदा तुझ तक पहुंच सकते हैं, तेरी राहों को पहचान सकते हैं, तुझे जान सकते हैं, क्योंकि तू ही बुलंद वाला खुदा है। कह करने में धीमा और शक्त और गुफा में बनी है, अपनी बंदा की मार्फत हम सबसे कलाम कर, ताकि ये कलाम जो है इससे मुल्क पाकिस्तान चेंज हो और पूरी दुनिया चेंज हो, क्योंकि तेरे कलाम में कुवत पाई जाती है। तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी, ऐ खुदा ताकि हम इस कलाम की मार्फत अपनी जिंदगियां बदलें और ऐ खुदा तेरे काम के अंदाजा तक पहुंच सकें और तेरी गहराई को, तेरी ऊंचाई को, तेरी चौड़ाई को और खुदा तेरे काम के अंदाजा तक पहुंच जाए। ऐ खुदा हमारे साथ हो, बकिया वक्त में तुम्हारे साथ हो, यही हम दुआ मांगते हैं तेरे बेटे आपने खुदा यीशु मसीह के जिंदा कादर और जलाल नाम के वसीला से मांगते हैं, को पा लेते हैं। ज़बूर 127 में दाऊद नबी फरमाते हैं, अगर खुदावंद ये घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत हबस है, और अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगेबान का जागना हबस है। तो इस आयत में हम ये देखते हैं कि खुदा के लोगों को ये गाही दी गई है कि अपनी हिफाजत करना, निगेबानी करना, ये हमारी जिम्मेदारी भी है, ये खुदा की जिम्मेदारी भी है। सो खुदावंद खुदा अपने लोगों की मदद करता है, हिफाजत करता है, लेकिन उसके साथ साथ अकली तौर पर भी हमें विजिलेंट रहना है, अपने चर्चेस की, अपने घरों की हिफाजत करनी है, ताकि हम दुश्मन के किसी तरह के भी जो अजाइम हैं, कोई ईविल पर्पस हैं, कोई डिस्ट्रैक्शंस हैं जो वो माशरे में क्रिएट करना चाहते हैं, हम उनसे महफूज रह सकें। सो हम हुकूमत पंजाब के शुक्रगुजार हैं और पुलिस डिपार्टमेंट के, कि वो हमेशा ही चर्चिस को सर्व करते हैं और ख़ास तौर पर ईस्टर और क्रिसमस के दिनों में और दीगर इबादात में भी चर्चिस की हिफाजत के लिए नफरी भेजी जाती है। सो इन सब बातों के लिए हम शुक्रगुजार हैं। हमें आपस में और ज़्यादा कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है और इस बात की भी ज़रूरत है कि चर्चिस को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम की जाए, ताकि वो महफूज रह सकें और इन दिनों में जो दहशतगर्दी की लहर दोबारा से उभर रही है, हम उसके खिलाफ दुआ भी करते रहें और उसके अगेंस्ट एक्ट भी करते रहें, ताकि दुश्मन अपने मंसूबों में कामयाब ना हो, हम इस मुल्क में अमन के साथ रहें, सलामती के साथ रहें और उसके नाम को मुबारक कहते रहें। खुदावंद आप सबको बरकत। पहले मैं अपने तौर पे भी और
एएसपी साहिबा के बिहाव पे भी आप सबको का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और हमारे एक कॉल पे आप सब लोग इकट्ठे हुए। इधर मीटिंग का कोई ज़्यादा बड़ा एजेंडा नहीं है, सिर्फ दो बातें हैं जो मैं करना चाहूँगा। हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान की इज्जत के खातिर हम दिन रात काम करते हैं। यहाँ पे एक सिक्योरिटी का मसला, आपको पता है ये दहशतगर्दी की लहर सारा कुछ है, इस हवाले से चर्चिस की सिक्योरिटी हमें बहुत ज़्यादा अजीज है, ना सिर्फ चर्चिस की बल्कि मसाजिद की, बल्कि हमारे लिए सब बराबर है। ठीक, तो यहाँ पे मैं जब इधर आया तो संडे वाला दिन था, पहला दिन था संडे का, तो मैंने आगे इधर से पता पूछना शुरू किया कि इधर लियाकताबाद थाने में कितने चर्चिस हैं, तो चर्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे जिंदगी गुजार रहे हैं। तो और हमारे जो अफसरान का फोकस है वो कम्युनिटी पुलिसिंग पे है, ऐसा नहीं है कि मैं उधर थाने में बैठा रहा और मुझे नहीं पता कम्युनिटी में क्या हो रहा है। तो हमने कम्युनिटी को साथ लेके चलना है, जहाँ पे आपको हमारी ज़रूरत है हम वहाँ पे हाजिर हैं, ठीक है, और जहाँ पे हम आपसे किसी किस्म के तावन की रिक्वेस्ट करते हैं, और मैं समझता हूँ बीइंग एक अच्छा शहरी होने के आप इंशाल्लाह हमेशा की तरह पुलिस के साथ तावन करेंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी सूरत हाल, क्योंकि चर्चिस माशाल्लाह बहुत बहुत बड़े चर्चिस हैं जिसमें बहुत बड़ी गैदरिंग होती है, तो इसलिए सिक्योरिटी थ्रेट तो हमेशा से ही एग्जिस्ट करता है, हालात जैसे भी हो सिक्योरिटी थ्रेट हमेशा से एग्जिस्ट करता है। उसमें हमारी ज़ाहिर थोड़े से कंस्ट्रेंट है, थोड़ी हमारे पास मैन पावर के मसले होते हैं और मुख्तलिफ हम किस्म की हमारी ड्यूटीज़ होती है, क्राइम फाइटिंग, ठीक है, सिक्योरिटी ड्यूटीज़ होती हैं। तो उसमें सबसे पहले वो जुवेद साहब मुझे मिले वहाँ पर, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, हर बंदे को ये बॉडी सर्च कर रहे थे। मैं इनसे पूछ रहा था बार बार कि आप इनको जानते हैं, सारे को जानते हैं लोगों, तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे जो एक एक बच्चा भी आ रहा है ना मैं उनको भी जानता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सहूलत थी कि इनका वहाँ पे होना। तो इसके पेश नज़र मैंने इनसे कहा कि आज तो मेरा पहला दिन है, तो क्यों ना एक छोटी सी मीटिंग रख ली जाए जिसमें तमाम चर्चिस के रिप्रेजेंटेटिव हैं उस मीटिंग में शामिल हो जाए, जो हमारी बातें हैं हम आपके सामने रख सके, जो आप हमारे से जो शिकवे हैं, शिकायतें हैं, कोई आपकी जो डिमांड है आप हमारे सामने रख सके, ताकि कोई दरमियानी राह निकाल के अच्छी तरीके से मामला, सिक्योरिटी का कोई मसला ना हो, क्राइम के शरपसंद अनासर जो हैं उनकी बीजगणी की जा सके। तो इस हवाले से सिर्फ इसका ये एजेंडा है। दूसरा एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा आप लोगों के साथ कि कौन SHO है, क्या कर रहा है। मैं आपको बिल्कुल एक सरकारी मुलाजिम होने के नाते मैं आपको जवाब दे हूँ, बिल्कुल हूँ, ठीक है ना। तो ये इंटरेक्शन हो जाती, इस हवाले से ये मीटिंग रखी गई, इसका और कोई एजेंडा नहीं है। आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए हम दिन रात हाजिर हैं, मैं नहीं मेरी सीनियर कमांड 24/7 काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ना हम दिन देखते हैं ना हम रात देखते हैं, ना हम अपनी फैमिली लाइफ हमारी कोई नहीं है, हमारी सोशल लाइफ हमारी कोई नहीं है, ये नौकरी है, इस मुल्क की खातिर, इस नौकरी की इज्जत की खातिर हम दिन रात, आप लोगों की सिक्योरिटी की खातिर हम दिन रात हम काम कर रहे हैं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे मेरे से IG साहब है, चाहे वो एक कॉन्स्टेबल है, हम 24/7 आप लोगों के लिए कर रहे हैं। और इस तरह करने के बावजूद अगर कोई कमी कोताही रह जाए तो उसका बेहतर हल है कि हम आप लोगों के पास आए और आपसे पूछें जी बताएं हम इसमें मजीद क्या बेहतरी ला सकते हैं। तो इसका मकसद ये था। तो सर ये मीटिंग बुलाने का मकसद थी, एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से थी कि हम अपने सिक्योरिटी के लूप में इनके वॉलंटियर ले सकें जो हमारे साथ सिक्योरिटी के जो इंश्योर कर सके किसी किस्म की कोई दहशतगर्दाना कार्रवाई, कोई शरपसंद अनासर की कोई शरारत, कोई जराइम के कंट्रोल के खात्मे के लिए आप लोगों की अहम मालूमात हम एक दूसरे से शेयर कर सकें, सिर्फ इसका ये मकसद है। इसमें 28 के करीब चर्ची से रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मौजूद हैं, जो लोग नहीं आ सके शायद उनको कुछ ज़रूरी काम होगा, ज़ाहिर है रोजे चल रहे हैं आप तो उसमें थकावट भी होती है, कोई एज फैक्टर भी होता है। तो आप लोग जितने लोग आए हैं तो आप सबका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ मैं। तो अब मेरे बॉस ASP साहिबा इधर मौजूद हैं, अगर आप किसी किस्म का कोई सवाल करना चाहते हैं
आप कर लें इंशाल्लाह ताला, हम बेस्ट पॉसिबल वे से अपने महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए आप लोगों के ताउन से उसको इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे सर। अच्छा, इसमें ज़्यादातर चीज़ें ऐसे जो साहब ने एक्सप्लेन कर दी हैं, कुछ मेरे पॉइंट्स हैं। नंबर वन, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में आप जो देख लें कि जो हमला कर रहे हैं ना, वो भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी मज़हब से, इस्लाम कह लें। वो जिसको मार रहे हैं वो भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी इस्लाम है। अगर वो मस्जिद को नहीं छोड़ रहे, अगर वो अपने मुसलमान बहन भाइयों को नहीं छोड़ रहे, तो फिर वो लोगों का मैं तो नहीं मानती कोई मज़हब होगा, ठीक है। इसलिए उससे कोई भी महफूज नहीं है। हमें अपने आप को महफूज करना है। आप लोगों के चर्चेस में लोग आते हैं वॉलंटियर, मैंने आपके चर्च चेक किए थे, ये बड़ी अच्छी चेकिंग करवा रहे थे, फीमेल्स की भी करवा रहे थे। तो उसमें जब ये लोग चेकिंग करते हैं, लोगों को बताएं कि वो भी ऑफेंड ना हो। बेशक आपका जब कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, वो उन्हीं के थ्रू होती हैं जो पहले से वहाँ पर आ रहे थे। जो पेशावर में हुआ, उसमें जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट हुई, वो हमारी सरकारी गाड़ी, मतलब इस तरह की समटाइम लूप होल्स हो जाते हैं कि अभी पता किसी का बैग उसमें कोई चीज़ डाल दी। बेशक वो लोग डेली भी आ रहे हैं, बट स्टिल चेक करें, आपने उसको फुल प्रूफ बनाना। इसके दो रीजन थे, एक तो आप लोगों की जाने कीमती हैं, दूसरा इस मुल्क की इज्जत के लिए। जितने इस तरह के काम होते हैं उसमें मुल्क पे क्वेश्चन उठता है, सिक्योरिटी पे क्वेश्चन उठता है, हमने उसको उठने नहीं देना। आप लोग 100% मेक श्योर करें कि हर बंदा चेक हो, नो मैटर वो कितना आप उसको जानते हो और कितने अरसे से आ रहा हो। और जो स्ट्रेंजर्स आना शुरू होते हैं, उनको तो बहुत सख्ती से उनका बैकग्राउंड भी चेक करवाया करें कि ये नया बंदा आना शुरू हुआ, हमें नहीं पता। फिर आपके चर्चेस के अंदर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट ही होती है, जो बाहर होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। रिक्शे वाला खड़ा है, बाइक वाला खड़ा है, कोई मांगने वाला खड़ा हुआ, उसके ऊपर नजर रखा करें, ये क्यों खड़ा हुआ। कोई ज्यादा टाइम के लिए खड़ा है, उसे पूछें भाई क्यों खड़े हो, उसको साइड पे करें। नंबर टू, ये तो सिक्योरिटी होगी, आई थिंक आप सब क्लियर हैं, इसमें कोई मसला नहीं। नंबर टू है क्राइम। अभी आप लोगों ने सबने देखा है कि मंशियात का जो इस्तेमाल है वो मुल्क में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अनफॉर्चुनेटली मैं इस पर पॉइंट आउट नहीं कर रही, बट जो हमारी कुछ कम्युनिटीज हैं, सोशल क्लास देख लें या कुछ भी देख लें, उसमें बहुत ज्यादा टेंडेंसी है मंशियात की। तो मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी ऐसा होगा वो जो ये चाहता है कि उसका बच्चा, उसका भाई बहन कोई भी मंशियात पे लगे। पुलिस जो है ना, हम लोग इस टाइम पे, मेरे SHO के पास शायद मुहर्रत के अलावा कोई बंदा नहीं थाने में अवेलेबल, क्योंकि हम PSL की ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे पास और बहुत कुछ करने को। बट अगर आप लोग हमारी इंफॉर्मेशन बन जाते हो, आप लोग हमें इंफॉर्मेशन देते हो, आप हमारा सोर्स बन जाते हो। एक बंदा जो मंशियात फरोश रहा है आपके गली मोहल्ले में, जो मंशियात बेच रहा है, वो तो पैसे बना रहा है। आपको क्या फायदा हो रहा है कि आप उसके बारे में बताते नहीं है? आपका बच्चा मंशियात पे लग जाएगा। हम ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जो कि PhD डॉक्टर्स हैं और वो सड़कों पे पड़े हुए जानवरों की तरह, ठीक है ना। तो इस तरह कोई भी इसकी आड़ में आ सकता है। इससे बेहतर नहीं है कि आप अपने मोहल्लों को, मोहल्ला इस फर्स्ट यूनिट ना हमारा, सिटी तो बहुत बड़ी चीज है, थाना तो बहुत बड़ी चीज है ना आपका मोहल्ला, तो क्या आप लोग ये सब कह सकते हैं कि आपके मोहल्ले में कोई क्राइम पेशा, कोई क्राइम करने वाला या मंशियात बेचने वाला नहीं रहता? अगर रहता है तो आप लोग उसको क्यों नहीं पकड़वा रहे? अगर SHO खुद आपको यहाँ तक और मुझे भी यहाँ तक ले आया है, बहुत कम SHO होते हैं जो इतना जाते हैं इन डेथ में, तो फिर आप लोगों को क्या दिक्कत है कि आप लोग अपने मोहल्ले के लोगों पे नजर ना रखें? अगर कोई गलत एक्टिविटीज करवा रहा है उसको रिपोर्ट ना करें, फॉर द सेक ऑफ योर ओन चिल्ड्रन। कल को आपका बच्चा मंशियात पे लगता है कि आप देख सकते हैं उसको, तो हालात बड़े खराब हो रहे हैं। काइंडली अगर कोई आपके मोहल्ले में इस तरह के काम कर रहा है, कोई आपको लगता है कि उसका करेक्टर डाउटफुल है, वो उसकी एक्टिविटीज ठीक नहीं है, तो आपने अपनी कम्युनिटी को सेफ खुद करना है। उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन दें, SHO का नंबर लें, जो इंफॉर्मेशन देंगे उसके ऊपर टाइमली एक्शन होगा, ठीक है। नंबर टू, अगर आपके कोई कंसर्न वगैरह होते हैं तो इसमें हमें, इसमें भी है कि हम इनकी एक कचहरी रख सकते हैं, खुली कचहरी। जी सर, जिस संडे में आपकी बड़ी गैदरिंग होती है और आपको लगता है कि लोग, मतलब आप एक सोर्स बन सकते हैं ना, लोग अपनी कंप्लेंट्स थाने नहीं आना चाह रही तो आपके पास आए, हम एक खुली कचहरी ऑर्गेनाइज करवा लेते हैं। आपके संडे को लोग, आप वैसे भी चर्च में आते हैं, तो SHO आ जाएगा। अगर बहुत ज्यादा कोई इशू है, मैं आ जाऊंगी, कोई भी कंसर्न है, बट हमने एज अ कम्युनिटी बहुत अच्छा काम करना है। एंड एक्सपेक्ट कि जो ये SHO साहब ने मीटिंग करवाई, इसका कोई मुझे फायदा भी होगा। खाली हम यहाँ पे बैठ के तस्वीरें नहीं खिंचवा रहे होंगे, आप लोग एज ए कम्युनिटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएंगे और हमें, आप हमारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बनेंगे। किसी की आइडेंटिटी कुछ भी, अगर कोई हमें कुछ बताता है, उसका सब कुछ उसका सीक्रेट रखा जाएगा, क्योंकि हमें पता है मोहल्ले में लोग किस तरह ऑपरेट करते हैं। आपका नाम नहीं आएगा, कहीं भी नहीं आएगा, लेकिन अपने मोहल्लों को, अपने नेबरहुड को खुद साफ करना है आप लोगों ने। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई कंसर्न है तो वो हमें बता दें ताकि हमें एड्रेस कर लें। लेकिन काइंडली इसके ऊपर आप लोगों ने, सिक्योरिटी को आप लोगों ने बिल्कुल फॉर ग्रांटेड नहीं लेना,
किसी बंदे को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, दूसरा क्राइम की रिपोर्टिंग स्टार्ट करें। आप लोग ओपनली नहीं बता सकते, सीक्रेटली बताएं, बट बताएं जरूर, ठीक है? इसमें सर मैं एक चीज, वो बात रहेगी कि चर्च है ये वल्नरेबल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की कैटेगरी में फॉल करते हैं। वल्नरेबल से मुराद ऐसी जगह जहां पर कोई ना कोई दहशतगर्दाना हमला या ऐसी चीज हो सकती है। तो इसके ऊपर 2015 में वल्नरेबल सिक्योरिटी एक्ट पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से पास है, उसके तहत उसमें लिखा गया है कि यहाँ पे सिक्योरिटी गैजेट्स जितने हैं वो आप लोगों ने, जो उसके इंतजामिया है, एडमिनिस्ट्रेटर है, उसने पूरी करनी है, उसकी जिम्मेदारी है। जैसे लेट्स सपोज इस वक्त हम ग्रेस चर्च में मौजूद है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी गैजेट्स, लेट्स सपोज वॉक थ्रू गेट, मेटल डिटेक्टर, सीसीटीवी कैमरा, उसका बैकअप, अगर गाड़ी की पार्किंग करें तो पार्किंग एरिया, टायर बस्टर, ऐसी चीजें का इंतजाम करना आप लोगों के पे एक्ट के तहत आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो वो जो चीजें जहां पे कोई कमी है, मुझे पता है बाजुकात इतने भी रिसोर्सेज होते, लेकिन ये एक वक्त था जब ये चीजें महंगी थी, सीसीटीवी लोग नहीं अफोर्ड कर सकते थे, यूपीएस लोग नहीं अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन अब ये सस्ते हो गए हैं। टेक्नोलॉजी वक्त के साथ साथ सस्ती होती है। सीसीटीवी 20 से 22 हजार का एक छोटा सा, आप 4 कैमरे लगवा लें, उसका बैकअप का बंदोबस्त कर लें, कैमरे बंद ना हो, एक मेटल डिटेक्टर ला लें। जैसे एक आपका वॉलंटियर है वो हाथ से बॉडी सर्च कर रहा है, ठीक है ना, उसके पास एक मेटल डिटेक्टर आ जाए तो वो उससे अच्छी तरह चेकिंग हो जाएगी। जहाँ पे बहुत बड़ी गैदरिंग होती है, एफजी ग्राउंड जहाँ पे हमारी ड्यूटी लगी होती है, सेंट फ्रांसिस कैथलिक चर्च, यहाँ पे हमारी ड्यूटी होती है, ठीक है ना, वहाँ पे बहुत बड़ी गैदरिंग होती है, वहाँ पे वॉक थ्रू गेट आ जाए। इसके अलावा जो आपके वॉलंटियर है, लेडीज वॉलंटियर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम मर्द हैं, हम चेक नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं चेक कर सकते, हमारी कल्चर ही नहीं है, ठीक है ना। उसके लिए आप लेडीज वॉलंटियर रखें, उनके लिए बापरदा इंतजाम करें और उनके लिए एंट्री एग्जिट आप बनाएं कि वो यहाँ से एंटर होंगे, यहाँ से चेक होंगे और अंदर से जाएंगे। तो इसके लिए ये छोटे छोटे इंतजाम, जहाँ पे फिजिबिलिटी है, जैसे अब छोटा एक चर्च है वहाँ पे एंट्री एग्जिट नहीं बन सकता अलग अलग, तो वो ठीक है, लेकिन जो बड़ी जगह है वहाँ पे एक एंट्री बन जाए, लोग उधर से एंटर हो, प्रॉपर चेक हो, खवातीन की अलग चेकिंग हो रही हो, बापरदा तरीके से चेकिंग हो रही हो, लोग एक तरह से एग्जिट हो रहे हो, तो वो ये सारे इंतजाम हमारा जितना हम आप लोगों के साथ तावन कर सकते हैं हम इंशाल्लाह करेंगे, करते रहे भी हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। हमें इस मामले में आप लोगों के तावन भरपूर दरकार है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा और ये दूसरे इंतजाम जो करने, लाइटिंग प्रॉपर हो, जैसे रात का इवेंट है तो वहाँ पे लाइटिंग हो, सर्च लाइटें लगे, एक उसका पार्किंग आप सबको बताए। देखिए आपके बताने में मेरे बताने में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप बताएंगे भाई ये पार्किंग थोड़ी सी उधर ले जाओ, 100 फुट का फासला है, पार्किंग वहाँ पे खड़ी कर लो, मैं बताऊंगा तो लोग, क्योंकि वो आप जिस मकसद के लिए आए हैं, आप अपनी इबादत के लिए आए हैं, ठीक है ना, वो कहते हैं यार हम तो रोज़ आते हैं इधर, ये होता है, तो वो रोज़ आने वाली बात ठीक है, आप रोज़ आते हैं, एक जगह पर आते हैं, इबादत करते हैं, आप रोज़ करते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा अगर हादसा होना है वो एक दफ़े ही होना है, ठीक है ना। तो हमें ऑल द टाइम हमें विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। हम कोई चीज़, जैसे साहब ने बताया, हम कोई चीज़ फॉर ग्रांटेड ले ही नहीं सकते। तो ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी आप लोगों के अंदर इंड्यूस करने का मकसद, आप माशाल्लाह पहले बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, ये मकसद ये है कि यही मैसेज जो है आप अपने आगे पहुँचाएंगे। आप माशाल्लाह सारे एक, जैसे हमारे खतीब होते हैं, मौलाना होते हैं, इस तरह आप पास्टर साहिबान बैठे हैं, फादर साहिबान बैठे हैं, तो आपके अल्फाज में जो कशिश और पावर है ना, वो शायद हमारे में नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से आपको अता हुई है। तो ये जब आप बात आगे करेंगे ना, तो लोग उसके ऊपर मन करेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपकी मेहरबानी। इस कौम ने, मसीही कौम ने कायदे आजम से लेकर अब तक नवाज शरीफ, बेनजीर, ये सारे वजीर आजम मिशनरी स्कूल्स ने दिए। आई एम ऑल्सो टीचर फ्रॉम कैथीड्रल स्कूल अपोजिट टू आई जी ऑफिस। तो ये कौम वो है जिन्होंने वजीर आजम दिए, जिन्होंने ऑफिसर किए, जिन्होंने चीफ जस्टिस किए। तो ये डिफरेंशिएट करना कि कम्युनिटी में नशा है तो सोशल क्लास, तो मैं लेट मी टॉप, तो इसमें थोड़ा सा मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि बूटा मसीह बेचता है, मोहम्मद बूटा पीता है।
और मैं जब अपनी कम्युनिटी में जाता हूँ, नशे में लोग धोते हैं, वो आपने ठीक आइडेंटिफाई किया कि वो नशे में धोते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उनके पीछे कितनी बड़ी फोर्सेस काम कर रही हैं। वज़ीर आज़म तक उनकी अप्रोच होती है, तो हम उसको उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ये इसमें हमारी आप हेल्प कर सकते हैं। तो अगर लेकिन मैं तो खुद छोटे मोहल्ले में रहती हूँ, आप लोग भी रहते होंगे, कुछ बड़ों में रहते हैं, कुछ छोटों में रहते हैं, वहाँ के लोग एक दूसरे को जानते हैं। दिस इज व्हाट आई मीन, वहाँ पे आप लोग एक दूसरे को जानते हैं। अभी बहुत सारे आपके लोग हैं, आपके मोहल्ले के एक एक बच्चे का भी पता होगा, ये किसका बच्चा है, कहाँ पे जाता है, क्या पढ़ते हैं, तो क्या वो आप लोग हमारा बन सकते हैं? जो बंदा बेचता है, जो ये कारोबार कर रहा है, वो तो पैसे कमा रहे हैं, और जो जहर बिक रहा है, वो चाहे रिलीजन की तो मैं बात नहीं करती, मैं स्टेट से बिलोंग करती हूँ, मेरा कोई रिलीजन नहीं है, मेरा कोई मसल नहीं है, मेरे लिए सब एक ही बोल है। ठीक है, सोशल क्लास की जहाँ पे पॉवर्टी होती है, वहाँ पे सोशल वाइस होती है, कुछ हमारे अच्छे लाइक होंगे इसमें, सिर्फ नेचुरल आगे अगर आप सही आइडेंटिफाई किया, मैं कह रहा हूँ यह सही है, लेकिन उसमें दोनों अभी लेकिन गवर्नमेंट स्टेटस की बात कर ले, वहां की चीजें और लेवल तो मैं यही तो पाउडर एक जो सड़क पाउडर पीने वाला है वो मैं छोटा पीता है, मोटा मुसी बेचता है, मैं ये कह रहा हूं देयर इज नो डाउट मोहम्मद छोटा बेचता भी है। ठीक है, सिर्फ मुसी तो नहीं कर बेचता होगा ना, मोहम्मद छोटा का पीता से भी अपना आगे कारोबार ले तो वो ही है। लेकिन हम रिलीजन की डिबेट भी यहां पे नहीं आ रहा, तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग हमारी आंखें बनो, आप लोग हमारे कान बनो, आप लोग हमें बताओ, ताकि हम अपने पूरे पाकिस्तान को अगर साफ करने के विजन के साथ चलेंगे ना, तो अभी तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ फिलहाल, मुझे नहीं लगा। ठीक है, तो मैंने पूरे पाकिस्तान को अभी, मेरा विजन नहीं है, मैं इतनी बड़ी अफसर नहीं हूँ, मेरे जितने ये लगे शोल्डर पे, वो मेरी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे एरिया में या मेरे SHO के एरिया में कोई मंशात से ना मरे, हमारे ज़मीन पे वो बोझ ना हो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते। साहिबान का जस्ट लीडरशिप का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, SP साहब का, SHO साहब का, इनके भी तहे दिल से शुक्रगुजार है, खासतौर पर प्रशाद के लिए, इनके सारे क्रिसिया के, इनके सारे टीम के लिए उनका भी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमें कहा कि आप यूँ अपना काम करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, हर जगह मिलती है, ये बहुत बड़ी बात है, तमाम चर्चिस का तहे दिल से शुक्रगुजार है जी। मतलब जब भी आपको जरूरत पड़े, कभी भी हम आपको ये सबके नंबर दिए, तमाम चर्चिस के ये लिस्ट आपने ली थी, तमाम चर्चों के नंबर दिए थे, यूनिट जिले भाई जाए या सिंह भाई जाए, हम मिल के काम करेंगे। हमारे साथ SHO साहब ने ट्वीट की है कि जिले भाई जहां जरूरत होगी हम आपके साथ खड़े हैं। अभी ये खुले कचहरी भी हम स्टार्ट करवाएंगे वंस इन अ मंथ या जैसे भी जरूरत है। ठीक है, अब संडे में आए जब लोग ये ज्यादा, हम उसको पहले आपको कम्युनिकेट कर दिया करेंगे कि इस चर्चेस वाइज कर लें, बड़े चर्चेस में करवा लें जहाँ पे आप लोग बिजी होते हैं, बट वो हम स्टार्ट करवाएंगे ताकि वहाँ पे पहुँच के आप लोग छोटे छोटे मसाइल हैं वहीं पे हल हो जाए। ठीक है, और अगर आपके साथ ज्यादती हो रही है ना, आपको लगता है कि कोई, मैं तो वैसे रिलीजन डिबेट में यहाँ पे आई नहीं थी, कि आपको लगता है कि आप माइनॉरिटी हैं, आपके सबके पे ज्यादती हो रही है, आपको कोई अनजस्टिफाइड, तो उसके लिए भी आप लोग आए, यहाँ पे स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता, स्टेट के लिए सब इक्वल हैं, हमारे लिए आप उतने ही मौजूद, उतने ही प्यारे हमारे भाई हैं जितने कोई और है, तो हम इन डिबेट में पढ़ते ही नहीं, हम एज अ सोसाइटी बात करते हैं, तो उसके लिए जो भी आपके कंसर्न होंगे ऐसे जो आपके साथ इन कॉन्टेक्ट रहें, तो आप खुली कचहरी अगर करवाना चाहते हैं तो वो आई थिंक इट्स रियली गुड, क्योंकि उन्होंने भी बताया कि बड़ी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो वहाँ पे छोटे छोटे मिसाइल आते हैं। अब हमारे चर्चेज ऐसे हैं कि हमारा ही, मेरा ही चर्चा, मेरा, मैं ब्लॉक फ्रॉम पाकिस्तान दोस्त पर जैसा जी जी, तो वहाँ पर जो है हमारे पास गार्ड है, अब उसके पास कोई वेपन नहीं है, तो हम उसको कैसे वो दे सकते हैं, लाइसेंस नहीं है कुछ ऐसा, उसके लिए कैसे, इनके कुछ पॉइंट है जी, असल में चर्च की तरफ से इशू
तो दूसरी बात है, तुमसे चर्च की, जैसे मैं आपसे कहता हूँ चर्च की इंतजामिया से हूँ या इनके चर्च का कोई भी चर्च है, उनकी इंतजामिया के जितने गॉड है एस एच ओ साहब बनाए इंतजामिया के चर्च के जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे आज के सीनियर पास्टरान के दौरान मुतलका लियाकताबाद के सिक्योरिटी अफिसर अदारे भी आए और आज आपको दिखा रहे थे मेरे कैमरामैन भाई के सिक्योरिटी के लिहाज से तमाम पास्टरान साहबान की भी मीटिंग हुई और सिक्योरिटी अदारे के सीनियर अफसरान भी आए। तो मैं ये कहूँगा कि हमें एक दूसरे का साथ दे के इंसानी जान को ज़िया से बचाना है और अपना भी और अपने मल्लोदारों का भी और अपने पाकिस्तानियों का भी ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिएगा।